डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड, जैसा आपको याद होगा हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं पीपल हु हेल्प अस। कौन सा? पीपल हु हेल्प अस। पीपल हु हेल्प अस में अगर आपको याद होगा तो हम पढ़ रहे थे कि किस किस तरीके के लोग हमारी किन किन तरह से हेल्प करते हैं, किन किन लोगों का क्या क्या काम होता है और किस तरीके से हमारी हेल्प कर पाते हैं, जिसमें हमने कॉबलर, ब्लैक स्मिथ, फार्मर, बार्बर, टेलर, पॉटर, मैकेनिक, इन सब के बारे में हमने जाना था कि वो हमारी हेल्प किस तरह से करते हैं। इसके बाद भी बच्चों हमारी हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे अलग अलग कामों में हेल्प करते हैं, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हम हमारी बुक से रीड करते हैं और हम देखते हैं कि हमको क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है बच्चों, अगर हम मैकेनिक के बाद में देखें तो हमको सबसे पहले दिखता है बच्चों शॉपकीपर। क्या दिखता है? शॉपकीपर। अ शॉपकीपर सेल्स अस थिंग्स दैट वी नीड एवरी डे। बच्चों इसमें लिखा है कि एक अ शॉपकीपर, एक जो काम करने, मतलब एक जो दुकानदार होता है, आप दुकानदार अच्छे से जानते होंगे बच्चों, एक जो दुकानदार होता है वो सामान बेचता है, सामान बेच के हमारी हेल्प करता है। मान लीजिए अगर शॉपकीपर सामान नहीं बेचेगा तो हमारे पास सामान तो आएगा नहीं, तो वो भी एक तरीके से हमारी हेल्प ही है और वो हमको सारा सामान बेचता है और हमको देता है जो हमको ज़रूरी है डेली के कामों के लिए। डेली के कामों की सारी चीज़ें हमको बच्चों कौन देता है? शॉपकीपर। इमेज में भी आप देख सकते हैं कि एक शॉप है जिसके अंदर अलग अलग सामान रखा हुआ है और एक शॉपकीपर वो सामान बेच रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगर हम देखें शॉपकीपर के बाद में तो हमें है डॉक्टर। अब बच्चों डॉक्टर का भी आप काम जानते होंगे कि किस तरीके का वो काम करते हैं, क्या उनका वर्क होता है, तो आइए हम इसको भी एक बार देखते हैं। अ डॉक्टर ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक एंड इंजर्ड। बच्चों एक डॉक्टर क्या करते हैं? वो अपना इलाज करते हैं जब मान लीजिए हम बीमार हैं या फिर हमारे कहीं लग गई है, हम इंजर्ड, हमारे कोई इंजरी हो गई यानी कोई घाव हो गया है, उसका इलाज जब हम करवाने जाते हैं तो हमारा इलाज कौन करता है बच्चों? डॉक्टर। ही और शी गिव्स अस मेडिसिन एंड हेल्प्स अस टू गेट वेल। वो बच्चों हमको दवाइयाँ लिख कर देते हैं, हमको दवाइयाँ देते हैं जिससे हमारी जो प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए हम बीमार हैं या फिर हमारे कहीं लगी हुई है, तो वो चीज़ें सही हो जाती है। उसके बाद में बच्चों हमारे पास में क्या गिवन है? उसके बाद में जो है टीचर, जिनको आप अच्छे से जानते हैं कि टीचर क्या काम करते हैं, टीचर हमारी कैसे हेल्प करते हैं। टीचर। और टीचर हेल्प्स अस टू रीड एंड लर्न इन द स्कूल। बच्चों एक टीचर क्या करते हैं? टीचर हम क्या करते हैं हमारे लिए? हमको पढ़ाते हैं, हमको सीखने में और पढ़ने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं ताकि हम अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ सकें और हम सारे काम कर सकें हमारे। तो टीचर बच्चों हमको स्कूल में पढ़ने में और सीखने में मदद करते हैं। इसके बाद में बच्चों हमको दे रखे हैं प्लम्बर। प्लम्बर और प्लम्बर फिक्सेस टैप्स एंड वॉश बेसिन एंड पाइप्स। जो बच्चों प्लम्बर होते हैं वो क्या काम करते हैं बच्चों? पानी सही करने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई नल है वो लीक कर रहा है, नल है कोई टूट गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो प्लम्बर होते हैं ना बच्चों, वो प्लम्बर पानी सही करने का काम करता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक नल है जिसमें से बहुत ज़्यादा पानी बिखर रहा है, तो जो प्लम्बर है अपने सारे टूल्स लेके, यानी जो उनके औजार है वो लेके उस नल को एकदम ठीक कर रहे हैं। इसके बाद में बच्चों क्या है हमारे पास में? इसके बाद में हमारे पास में पुलिसमैन। कौन? पुलिसमैन। पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड रॉबर्स। ये क्या होता है बच्चों? जो पुलिसमैन होते हैं वो चोर को और जो लोग चोरी करते हैं, जो चकारी करते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं। थीव्स एंड रॉबर्स जो सामान चुराने का, हड़पने का, ये सब काम करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं। ही कीप्स और नेबरहुड सेफ। वो हमारा घर और हमारा आस पड़ोस एकदम सिक्योर रखते हैं। देखिए आप इमेज में भी कि जो पुलिस मैन है वो एक चोर को पकड़ के लेके जा रहे हैं। उसके बाद में बच्चों आता है मेसन। क्या आता है? मेसन। अ मेसन बिल्ड्स हाउस एंड बिल्डिंग्स फॉर अस। बच्चों मेसन क्या काम करते हैं? मेसन हमारे लिए बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा किस तरीके से घर बनता है, तो जो लोग बच्चों घर बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेसन।
इसके बाद बच्चों अगर आप अपनी बुक में और नीचे देखेंगे तो उस वो आपको दे रखा है कारपेंटर। कौन दे रखा है? कारपेंटर। अ कारपेंटर मेक्स एंड रिपेयर्स थिंग्स मेड ऑफ वुड। बच्चों एक कारपेंटर क्या काम करते हैं? जो लकड़ी की बनी हुई चीजें होती हैं उनको ठीक करने का और उनको सही करने का काम करते हैं। उसके बाद में बच्चों आ जाते हैं ग्रॉसर। अ ग्रॉसर सेल्स फूड स्टफ एंड स्मॉल थिंग्स फॉर होम। एक ग्रॉसर क्या करते हैं बच्चों? ग्रॉसर फूड स्टफ खाने की चीजें बेचने का काम करते हैं और जो छोटे मोटे सामान हमको चाहिए होते हैं वो सब घर के लिए वो सब बेचने का काम करते हैं। ये आप इमेज में भी देख सकते हैं कि उनके पास बॉक्सेस रखे हैं जिसमें अलग अलग सामान रखा है। उसके बाद में आते हैं बच्चों इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन एंड इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस एंड रिपेयर्स आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बच्चों हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक की चीज़ खराब हो जाती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड खराब हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिक सामान खराब हो जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन क्या काम करते हैं? उन सब सामानों को ठीक करने का काम करते हैं। देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं वो कैसे सही कर रहे हैं। उसके बाद में मिल्क मैन। आपको पता है बच्चों अ मिल्क मैन ब्रिंग्स फ्रेश मिल्क टू आर होम। जो मिल्क मैन है वो हमारे लिए घर पे दूध लेके आता है। उसके बाद में बच्चों लास्ट है हमारे पास वॉचमैन। अ वॉचमैन प्रोटेक्ट्स आर होम फ्रॉम थीव्स। एक वॉचमैन क्या करते हैं बच्चों? अपना घर और जो थीव जो चोर रात के समय पे आते हैं या फिर दिन के समय पे भी मान लीजिए अगर आते हैं तो वॉचमैन हमेशा ख्याल रखते हैं कि कोई भी घर में ऐसे ना घुस सके। तो बच्चों यही सारे लोग थे जो हमारी अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे सारे काम हो पाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये लोग हमारी हेल्प करते हैं, कौन कौन लोग हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद की चीज़ हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।